तो यार अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई और मैं उसे पूरा ना करूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फाइनली आप लोगों की कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जब भी थीम्स के ऊपर कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो MIUI 12 सपोर्टेड थीम हो रही है। और जैसा कि अभी हमें इंडिया में ऑफिशियल MIUI 12 की अपडेट देखने को नहीं मिली है, सभी डिवाइसेस में अभी MIUI 12 की अपडेट देखने को नहीं मिली है, सिर्फ रेडमी K20 और K20 Pro में ही टेस्टिंग चल रही है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को कुछ MIUI 11 वाली सपोर्टेड थीम बताऊं, क्योंकि MIUI 11 हम सभी के डिवाइस में इंस्टॉल है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ और आज की ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे कमाल का थीम बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को कूल एनिमेशन, कमाल का कस्टमाइजेशन और थीमिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। आइकन पैक की बात करें तो वॉलपेपर वगैरह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कमाल की सपोर्ट आपके थीम्स में देखने को मिलने वाली है। तो कुछ थीम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जहां पे आप लोगों को अप्लाई करने के बाद आप लोग अपने डिवाइस के लुक को यहाँ पर काफी एनहेंस कर सकते हैं और काफी कूल इफेक्ट आपके डिवाइस में ये प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले थीम से अगर बात करें तो फ्रेंड्स, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है फ्यूचर स्पेस। तो अगर इस थीम की फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं तो इस थीम में हमें क्या एक्स्ट्रा फीस देखने को मिलती है और क्या कस्टमाइजेशन कमाल की आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जैसे आप इस थीम को अपने फोन में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की आप लोगों को वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, लाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर रेनबो कलर टाइप की यहाँ पर वॉलपेपर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को जो यहाँ पर आइकन पैक देखने को मिली वो काफी कमाल की और डिफरेंट टाइप की आइकन पैक देखने को मिल जाती है। और इस आइकन पैक में आप लोगों को डायनामिक आइकन पैक की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग अपने होम स्क्रीन में स्क्रॉल वगैरह करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके आइकन्स में जो देख रहे हैं आप लोग, तो आपके आइकन्स में यहाँ पर डायनामिक सपोर्ट और मूविंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है जो हमारे डिवाइस के लुक को और इफेक्ट को काफी यहाँ पर इन्हांस कर देती है। और अगर नेविगेशन बटन की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो काफी कूल सा इफेक्ट हमारे नेविगेशन बार में भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर क्विक सेटिंग पैन, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो थीम यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ वो MIUI 11 और MIUI 10 सपोर्टेड थीम है। तो ये क्विक सेटिंग पैन जो आपको देखने को मिल रही है तो उसमें जो आप लोगों को डिफरेंट टाइप की टाइल्स देखने को मिल जाती है जो हमारे डिवाइस के लुक को काफी यहाँ पर इन्हांस कर देती है। तो होम स्क्रीन में कुछ इस तरह से हमें इफेक्ट देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में फ्रेंड्स दिखा देता हूँ तो लॉक स्क्रीन पर आपको कमाल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाती है। और लॉक स्क्रीन में फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलती है और नीचे में आप लोगों को एक आइकन देखने को मिलता है, एक बटन देखने को मिलता है जिसपे अगर आप लोग टैप करेंगे तो टैप करने के बाद देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिल जाती है आपके लॉक स्क्रीन पर। तो लॉक स्क्रीन में काफी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर कस्टमाइजेशन और थीमिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जहां पर आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन की शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाती है जिसे आप लोग टैप करके डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इस म्यूजिक वाले बटन की फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं म्यूजिक वाले बटन जो आप लोग टैप करेंगे या फिर आप लोग अपने फोन में म्यूजिक को प्ले करेंगे तो जो म्यूजिक की विजेट देखने को मिलेगी वो आपके डिवाइस में काफी कूल सा इफेक्ट आपके फोन में प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग चार्ज की, जब आप लोग अपने फोन को चार्ज से कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को लॉक स्क्रीन में देखने को मिलेगी। और जो डिफॉल्ट वाली चार्जर एनिमेशन है, चार्जिंग एनिमेशन है, वहां पर भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोगों को कस्टमाइजेशन इस थीम में देखने को मिलती है। तो काफी कूल सा इफेक्ट आपके फोन में यह प्रोवाइड कर देता है। आप फ्रेंड्स अगली थीम की बात कर लेते हैं तो आपको ये थीम देखने को मिल जाती है BMX V11। आप लोगों को डाउनलोड कर अपने फोन में से अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बता दूं कि ये थीम मेरी फेवरेट थीम है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे इफेक्ट और कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, कुछ ऐसे कूल इफेक्ट देखने को मिलती है जो हमारे डिवाइस के लोग को काफी यहाँ पर इनहेंस कर देती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप इस थीम को अप्लाई करेंगे तो कुछ व्हाइट कलर की आप लोग यहाँ पर वॉलपेपर के सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और सबसे डिफरेंट टाइप की बात करते हैं, सबसे आइकनिक चीज की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको देखने को मिलती है आइकन पैक्स की। तो देख सकते हैं आप लोगों को आइकन पैक्स यहाँ काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। और विजेट की बात करते हैं तो वो भी आप लोग काफी कमाल की विजेट आपको देखने को मिल जाती है। और ये विजेट और आइकन पैक यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मैच कर जाते हैं। और अगर नेविगेशन बटन की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को काफी कूल सा नेविगेशन बटन देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छा लुक हमारे डिवाइस में प्रोवाइड कर देता है। और अगर मैं आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ तो लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरह से आप लोगों को ये सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब फ्रेंड बात करते हैं चार्जिंग एनिमेशन की, तो अगर मैं अपने फोन को यहाँ से चार्ज से कनेक्ट करता हूँ तो चार्ज से कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमें यहाँ पर डिफॉल्ट चार्जिंग थीम की सपोर्ट देखने को मिलती है। और आप लोग जब अपने फोन को चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डंबल की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, यानी ये अपने बॉडी में पावर को इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि हम लोग अपने फोन को चार्ज करके अपने बैटरी में पावर को इंक्रीज करते हैं, इसी तरह ये यहाँ पर एक्सरसाइज करके जब हम अपने फोन को चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, यानी हमारे फोन में यहाँ पर ताकत मिलने वाली है बैटरी की। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर क्विक सेटिंग टाइल्स की, तो देख सकते हैं आप लोग काफी डिफरेंट सा लुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। काफी टाइल्स, काफी डिफरेंट टाइप की टाइल्स देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी टाइल्स देखने को मिलती है जो काफी देखने में अच्छा लगता है और कूल लगता है।
और अगर मैं आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में लेकर दिखा देता हूँ, तो सेटिंग्स में कुछ इस तरह से आप लोग को इफेक्ट देखने को मिलती है। सेटिंग में भी आप लोग यहाँ पर, तो जैसे हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में देख सकते हैं जो वॉलपेपर आपको देखने को मिल रही है, काफी डिफरेंट सा लुक आपको आपके डिवाइस में यहाँ प्रोवाइड कर देता है। और अगर आइकन्स की बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पर आइकन्स देखने को मिल रही है, वो भी काफी यहाँ पर कूल देखने में लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो लास्ट, आज की लास्ट थीम जो देखने को मिल जाती है, वो आपको ये थीम देखने को मिल जाती है। सिंपली आप लोग अपने फोन में इसे अप्लाई कर देना, और अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप लोगों को फोन में ये इफेक्ट देखने को मिल जाती है। सबसे डिफरेंट आपको यहाँ पर आइकन पैक देखने को मिल जाती है, तो काफी कूल आपको आइकन पैक देखने को मिल जाती है। वॉलपेपर तो आपको सिंपल व्हाइट कलर के डिम टाइप के देखने को मिल जाती है, और अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन पर भी आप लोगों को सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाती है जो आपके होम स्क्रीन में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो इफेक्ट आपको देखने को मिलती है, वो आपके आइकन पैक देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर क्विक साइड क्विक टाइल्स दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग को अच्छी खासी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाती है क्विक टाइल्स में। जो टाइल्स देखने को मिली, जो टॉगल्स देखने को मिली है, काफी अच्छी देखने को मिली। और अगर मैं आपको सेटिंग में भी लेकर दिखा देता हूँ, तो सेटिंग की जो आइकन देखने को मिल रही है आप लोगों को, यहाँ पर भी कस्टमाइज देखने को मिल जाती है। अगर मैं आप लोग डायल पैड यहाँ पर लेकर दिखाता हूँ, तो डायल पैड आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज किया गया है। और अगर चार्जिंग एनिमेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरह से आपके फोन में देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन आपके इस थीम्स में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड इसे कैसे है अपने फोन में डाउनलोड करना है, तो जितनी थीम्स मैं आप लोग यहाँ पर दिखाया हूँ, सिंपली आप लोगों को अपने थीम स्टोर पर जाकर सर्च करना है। थीम स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये सारी थीम देखने को मिल जाएगी, और सिंपली आप लोग अपने फोन में इसे डाउनलोड कर लेना।